सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना जो ट्रेन कलेक्शन है वो दिखाने वाला हूँ। मेरे पास जितने भी कलेक्शन है, ट्रेन बोलो या हॉट व्हील्स बोलो या लीगो बोलो, जितने भी कलेक्शन है मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और ये रहा वो ट्रेन का बॉक्स, इसके अंदर जितने भी ट्रेन है फिलहाल तो मैंने इसके अंदर रखा है जितने भी कलेक्शन है मेरा। और एक दो अपडेट देने आप लोगों को जो कि है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जो मैंने जनवरी महीने में स्टार्ट करा था, तो दिखा देता हूँ। और गाइस, इसके पीछे है मेरा वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जो मैं जनवरी के 5 तारीख से मैं बना रहा हूँ, और इसके पीछे मैंने छुपा के रखा है क्योंकि गलती से भी वीडियो बनाते वक्त लीक ना हो। और वो जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 41.3 GB का फाइल बना है अभी तक। और वैसे तो मैंने शूटिंग स्टार्ट करा था 5 जनवरी 2024 से, और ये फोल्डर बना के रखा है मैंने 7 जनवरी। पूरे कह सकते हो 2 मंथ हो चुके अभी तक, 40% ही कंप्लीट हुआ है जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ। आई थिंक ये मार्च चल रहा है ना, अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, तो साथ के साथ एडिटिंग भी चल रहा है। तो बस मैं इतना ही बता सकता हूँ, और कमेंट में मत पूछे ना, मैं बताऊंगा भी नहीं कौन सा मॉडल मैं बना रहा हूँ। तो अब आते हैं हमारा जो ट्रेन कलेक्शन है उसमें। सो गाइस, अब फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं, और आप फटाफट से नए हो तो सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को। तो करते इसके अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये है मेरा ट्रेन कलेक्शन अभी तक का। और यहाँ पे जितने भी लोकोमोटिव और वैगन देख पा रहे हो सब एकदम 100% वर्किंग कंडीशन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे लोकोमोटिव को। तो सेंटी टॉय का फिलहाल अभी है 1 2 3 4 5 6 7 लोकोमोटिव, और रेल किंग का है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकोमोटिव। और ये तो मैंने कस्टमाइज बना के रखा है, वैसे तो ये नॉर्मल बड़े साइज़ में आता है। इसका जो ट्रैक है ना बहुत ही बड़ा होता है एच स्केल के मुकाबले, या रेल किंग या सेंटी के मुकाबले, तो ये मैंने मॉडिफाई करके रखा है ताकि ये वाला ट्रेन सेंटी टॉय के ट्रैक पे और रेल किंग के ट्रैक पर दौड़ सके। इसका भी वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो कैसे बनाना है अगर आपको बनाना हो तो। सो गाइस, ये है मेरा चैनल का फर्स्ट ट्रेन सेट। फिलहाल इसका लोकोमोटिव तो है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ इसके कोचेस और वैगन ज़रूर है मेरे पास, वो मैं कोच वाले सेक्शन में बता दूंगा। देन आता है हमारा ये सेंटी टॉय का परचेस किया था ये वाला, ये है सेकंड ट्रेन सेट सेंटी टॉय की तरफ से आने वाला, और इसी के वजह से आज इतने सारे ट्रेन सेट हैं मेरे पास। और चैनल का किंग अभी भी ये बैठा हुआ है बन के, क्योंकि अभी भी इसे कोई पछाड़ नहीं पाया, अभी भी ये 1.9 मिलियन व्यूज़ के साथ बैठा हुआ है चैनल पर टॉप पे। देन मैंने परचेस किया था ये सेंटी टॉय का रेड वाला, फिलहाल तो मैंने इसे ब्लैक मैट कलर करके रखा है क्योंकि इसके ऊपर मैं सेंटी टॉय का जो बॉडी शेल बना के हैंडमेड रनिंग सेशन करता हूँ। फिलहाल तो वो बॉडी शेल है नहीं मेरे पास क्योंकि मैंने उसे सेल आउट कर दिया, और वो बॉडी शेल मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को रिक्वेस्ट करा था कि बनाने के लिए सेंट स्पेशली सेंटी टॉय लोकोमोटिव के लिए, तो इस वजह से मैंने बेसिकली उनके लिए बनाया था, मेरा कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं था। बाकी इन फ्यूचर अगर आपको चाहिए या बनाओ अपने लेआउट में, या आप देखना चाहते हो रनिंग सेशन के साथ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं बनाऊँ। देन मैंने परचेस करा था ये वाला, ये लोकोमोटिव रेल किंग का ट्रेन सेट 9 mm वाला, क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हो तब के टाइम, मतलब जब भी आता था ना यूँ ख़त्म हो जाता यूँ, मतलब एक घंटा भी नहीं टिकता था अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे तो मिलता ही नहीं था ये अराउंड 2020-21 की बात है। ये 9 mm व्हील इन द सेंस, क्योंकि इसके साथ आता था ये वाला कोचेस, ये ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, और ये आपका ऑयल टैंकर के साथ, तो ये बहुत ही मुश्किल से मिला था तब
2001 में। देन ये वाला लोकोमोटिव याद, वैसे तो याद नहीं मेरे को, ये चार या पांच लोकोमोटिव याद है सीरीज़ वाइज, बाकी ऐसे ही मैंने खरीदता चला गया। और ये वाला लोकोमोटिव खरीदा था मैंने, लोकोमोटिव निकल रहा है मुँह से बार बार, ये वाला ट्रेन सेट खरीदा था रेल किंग का, स्पेशली इसके इस डिज़ाइन के वजह से खरीदा था, रेड व्हील और ये वाला डिज़ाइन। और इसे भी मैंने मॉडिफाई करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने वेट के वजह से करके रखा है एमसील से, और इसके अंदर एक नट डाल दिया ताकि ये वेट हो जाए आगे से, क्योंकि ये जब चलता है ना आगे से ये वाला व्हील निकल जाता है, तो इस वजह से मैंने फ्रंट साइड यहाँ पे वेट डाल के रखा है ताकि ये डीरेल ना हो चलते वक्त। और ये रहा डुअल कपलर, एक नॉर्मल रेल किंग का और एक आपका सेंटीटॉय का। और ये पांच लोकोमोटिव जो मैंने आकाश भाई से परचेस किया है, इंडियन मॉडल ट्रेन का जो ओनर है। और एक बात बताना भूल गया गाइस आप लोगों को, और ये जो लोकोमोटिव है ना, ये मैंने आरसी में कन्वर्ट करके रखा है और बहुत ही तगड़ा चलता है ये रिमोट कंट्रोल, यहाँ पे देख सकते हो इसका मदरबोर्ड यहाँ पे लगा रखा है, और इसके अंदर जो देख सकते हो फ्रोस्टेड ग्लास लगा रखा है, और इसके अंदर लाइट ग्लो भी करता है, तो ज़रूर चेकआउट करना ना इसका मेकिंग वीडियो, मज़ा आ जाएगा आपको देख कर, और आप भी ऐसे बना पाओगे ईजिली। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के रखा है मैंने आरसी मेकिंग वीडियो वाले में। और ये भी है आपका आरसी लोकोमोटिव, देख सकते हो इसका मदरबोर्ड मैंने कहाँ पे लगा रखा है, ये जो चेसी है ना एकदम बीच में लगा रखा है इसके अंदर। और रिसीवर का एंटीना देख सकते हो यहाँ पर कैसे फिट करके रखा है मैंने मदरबोर्ड को। और ये जानने के लिए आप कोई ये मेकिंग वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर ज़रूर चेकआउट करना। तो बस फिलहाल आरसी ट्रेन में मेरे पास एक ये पड़ा हुआ है और एक ये, और ये भी मैंने मॉडिफाई करके रखा है रेल किंग का, हमारा इंडियन फ्लैग के थीम के ऊपर, तो इसका भी कह सकते हो मेकिंग वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे देख सकते हो। ये भी मैंने 2 साल पहले ही बनाया था 2021 में। और ये है रेड वाला लोकोमोटिव जिसे मैंने मॉडिफाई करके रखा है, एक तो नॉर्मली चलता है ये वाला नॉर्मल लोकोमोटिव है, और इसके बैक साइड मैंने रेड लाइट लगा दिया मैंने, और फ्रंट में कपलर, और इसे मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके यहाँ पे मैंने येलो लाइट लगा दिया, और बैक साइड में जहाँ पे नॉर्मल लाइट रहता है ना येलो वाला, वहाँ पे मैंने रेड लाइट लगा दिया है। इसके अंदर बैटरी शायद, हाँ है, ऑन करता हूँ, ये देखो बेसिकली मैं इसे यूज़ करता हूँ वैगन को खींचने में, सेंटी टॉय जो है। और ये रेड कलर का सेंटी टॉय का लोकोमोटिव जिसे मैंने मॉडिफाई करके इसका लिवरी डिज़ाइन को बना दिया WDM-3A, तो इसका भी मेकिंग वीडियो मिल जाएगा आपको। दो वीडियो बना के रखा है मैंने, एक तो ये नॉर्मल वाला, इसे भी चेकआउट करना, और एक ये रियल टाइम, ये एक बेसिकली कलरिंग वाला वीडियो, अगर आपको एज इट इज़ ऐसे कलर करना है ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे समझा के रखा है इस वाले वीडियो पे, तो ज़रूर चेकआउट करना ये वाला वीडियो। और इसका देख सकते हो ग्रिल मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैंने एलुमिनियम वायर से बनाया था ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण बार बार जब भी लोकोमोटिव बंद करता हूँ या ऑन करता हूँ तो ऐसे लग लग के वो निकल ही गए यहाँ से, तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, जब मेरे को एक सॉलिड वायर मिलेगा ना उसे कलर करके यहाँ पे लगा दूंगा। तो फिलहाल कुछ यही है लोकोमोटिव का सीन, बाकी अब कवर करते हैं कोचेस को। फिलहाल कोच तो मेरे पास वैगन के मुकाबले कम ही है, एक तो ये चैनल का फर्स्ट रेल किंग के साथ आया था, ये बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को लुक वाइज, ये देख के एकदम प्रीमियम वाली फील आता है गोल्डन कलर की वजह से। और मैं सोच रहा था ना इसके इंटीरियर पे वार्म लाइट लगा दूँ, वार्म लाइट दिखने में, ताकि बहुत ही तगड़ा लगे ये कोच और ये वाला लोकोमोटिव, बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन लगेगा, कर दूंगा मैं वीडियो भी ला दूंगा जल्द से जल्द। और सेंटी का तो फिलहाल मेरे पास नॉर्मल ट्रेन सेट जो फर्स्ट मैंने लिया था इसका एक कोच ये रहा, बाकी दो स्क्रैप के डब्बे में रखा हुआ है,
और रेड वाले का नॉर्मल दो कोच बचे हुए, बाकी वो भी स्क्रैप के डब्बे में रखा हुआ है। और ये छः कोच जिसे कंबाइन करके तीन कोच में बदल दिया मैंने, इसका भी वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। फ़िलहाल पैसेंजर ट्रेन में तो बस इतना ही है। और ये रहा, इसे भी मैंने सोचा था लॉन्ग कोच में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो मेरा मूड बदल गया इसके वजह से। तो बेसिकली मेरे को ये काटना ही नहीं था, इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसे दोबारा डिटैच कर दूँगा फेविक्विक से, मैंने यहाँ पे लगा रखे इन दोनों कोचों को, देन इसे एज इट इज़ नॉर्मल कोच में कन्वर्ट कर दूँगा। तो अब बढ़ते हैं वैगन की ओर। वैगन में मेरे पास सबसे पुराना वैगन देख सकते हो, ये दोनों वैगन है मेरे पास, जो कि मैंने 2017 में परचेस किया था। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत ही तगड़ी है, और इसे देख सकते हो कितना पुराना लग रहा है, एकदम मज़ा आ जाता है इसे देखकर, एकदम लगता है एकदम रस्ट लगा हुआ है, नेचुरली हो गया इसे, इसका कलर ऐसा है, इतना पुराना रेलकिंग है, रेलकिंग का जो वैगन है। और यहाँ पे मैंने अपना नाम भी लिख के रखा था तब के टाइम में, ए बीच में लिखा था कार के, ए के भी नहीं, यही ये था सी ए का एस एच। और इसके ख़ास बात बताता हूँ, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही तगड़ी है आज के रेलकिंग के मुकाबले। और ये इजीली कोई सा भी नॉर्मल शॉप में मिल जाता था, टॉय शॉप में, ये नहीं कि मैंने नहीं तब ये अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, नहीं, ये मैंने नॉर्मल अपने ही एरिया में परचेस किया था, दो अलग अलग सेट। इसका व्हील तो मैंने रिसेंटली चेंज करा होगा, आई थिंक एक साल पहले चेंज करा था, देख सकते हो। एक्चुअल व्हील जो है इसमें लगा हुआ है, देख सकते हो, इसका व्हील जो था तब के ज़माने में 2017 में मेटल एक्सेल के साथ आता था, ये बहुत ही तगड़ा, देख सकते हो इसका स्क्रू, कपलर का स्क्रू देख के तो पता ही चल गया होगा कितना पुराना है ये। और इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो, ऐसे दबा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, इतना सॉलिड है। और यही वैगन को मैं यूज़ करके ना माचिस की तिल्लियों से ट्रैक बनाता था, इस व्हील को निकाल के ऐसे माप माप के, देख सकते इसमें ग्लू लगा हुआ है, आई थिंक अभी भी ग्लू लगा हुआ है, 2017 का लगा हुआ है थोड़ा बहुत, ये देखो फेविकॉल का निशान अभी भी लगा हुआ है, 2017 की बात है ये। और हाँ, कंपैरिजन दिखा रहा था ना, ये देखो, ये तो हो गई 2017 की, अभी आता ही है रिसेंटली परचेस, एक ही साल ही हुआ होगा, देखो पूरा ख़त्म सा है इसका। दोनों में दिखाता हूँ, एक तो ये वाला देख सकते हो कितना अंतर है, ये एकदम मस्कुलर टाइप का है अंदर से, यार ये से देखो पूरा ख़त्म। एक और पड़ा हुआ है मेरे पास, ये देखो दोबारा देखना आप, ये दोनों अलग है, देख सकते हो इसके अंदर बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट के साथ आता है, इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी मोटी है, लेकिन इसके जितना तो है नहीं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, इसे स्क्वीज करता हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसे, अब इसे देखना, हल्का सा फ्लेक्स है इसमें, आई होप कैमरा में दिख रहा होगा आपको, हाँ लेकिन ज़्यादा जोर लगाए तो इजीली टूट जाएगा इसे देखना आप, ये देखो ये भी ख़त्म ही है पूरा, समझ ही लो कोई जान बिल्कुल भी जान नहीं वैगन में। ड्रिल किंग का ये वाला हो गया, देन ये वाला नॉर्मल रेल किंग है, ये तो दिखाना भूल गया, एक नॉर्मल पड़ा हुआ है मेरे पास, ऐसे कई सारे थे जो भी है नहीं व्हील्स के वजह से, मैंने यू आई थिंक ऐसे एक और था उसका ही व्हील्स निकाल के मैंने इसमें लगा दिया इस वाले में। और ये सेट मैंने परचेस किया था आकाश भाई से, जो कि मैंने 5 ट्रेन सेट लिया था ना उनसे, तो उनमें से आया था ये वाले 4, और ये मिला के 5, और मेरे पास 2 ट्रेन सेट ऐसा था ऑलरेडी, 2 सेम ट्रेन सेट, तो टोटल मिला के हो गया मेरे पास, ऐसे थे मेरे पास 6, ये इसे मिला के 7, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल 4 है, 4 में से 3 गायब है, क्योंकि
मैंने बनाया ये वाले कोचेस, लॉन्ग कोचेस, तो यहीं पे इसके व्हील्स इसमें लगा दिए मैंने। बाकी इस इनके जो बॉडी शेल है अभी पास पड़ा हुआ है मेरे पास, वो मैं बाद में एक्सपेरिमेंट करूँगा, तो देख लेना। ये है सात, सात में से दो सेट मेरा है और बचा कितना, पाँच पाँच, क्योंकि इसके साथ भी यही वाला एक कोच आता है, सॉरी वैगन आता है, तो यहीं पे हो गए पाँच, पाँच सेट मैंने आकाश भाई से लिए थे, बाकी दो हो गए सात, और ये वाला यहाँ पे पड़ा हुआ है, टोटल छः, छः में से चार मैंने आकाश भाई से परचेस किया था, बाकी दो सेट मेरे एक्चुअल हैं, और एक सेट में ये वाला नहीं आया था क्योंकि इसके जगह आया था ये वाला। ये हो गए यहाँ पे, आई थिंक आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, कन्फ्यूजन मेरे को भी हो रही है। देन ये आता है हमारा नॉर्मल सेंटी का जो वैगन सेट है, देख सकते हो ये मेरे पास सात पड़े हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात है और ये भी सात है, ऑयल टैंकर, एक दो तीन चार पाँच छः सात इसके साथ। और ये मैंने पता है परचेस कैसे कर रहा था, ये मैंने एक तो लॉन्ग सेट परचेस करा था जिसमें आता है ये दो सेट, दो ये हो गया, दो ये वाले हो गए और एक ये, ठीक है, और एक नॉर्मल रेड कलर का इंजन, और बाकी ऐसे स्मॉल वाले सेट परचेस किया था, कितने, चार, तो उनमें से ही कह सकते हो दो अभी रख बचा के रखा है मैंने, क्योंकि अलग अलग ट्रेन सेट चलाऊंगा तो काम आएंगे, और बाकी दो का देख सकते हो ये लॉन्ग फ्लैट वैगन बना के रखा है, और ये बहुत ही खतरनाक चलता है गाइस, और इसे खींचने के लिए ही दो सेंटी टॉय लोकोमोटिव का ज़रूरत पड़ता है, सिंगल से काम नहीं चलता। अगर ट्रैक एकदम स्मूथ और कर्व नहीं है तभी ये सिंगल लोकोमोटिव से चल पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसका भी मेकिंग वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। और ये वाला वैगन आया था रेड व्हील इंजन के साथ, और इसके व्हील बहुत ही ज़्यादा बकवास लगते हैं मेरे को, क्योंकि ये सेंटी टॉय का जो ट्रैक है उसमें बिल्कुल भी नहीं चल पाता। वैसे तो बढ़िया है, रेल किंग वाले ट्रैक पे तो बहुत ही ज़बरदस्त चलता है, और मेरे जैसे आप लोगों को पता है मेरे पास तो ज़्यादातर मैं सेंटी टॉय का ही यूज़ करता हूँ ट्रैक, तो वो इसलिए मेरे को बेकार लगता है। और सेंटी टॉय का जो ट्रैक है 16 mm की होती है और रेल किंग का 16.5 mm की, ये 0.5 mm बहुत ही फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास ये वाला है ना तो आपको समझ आएगा, ये कर्व ट्रैक पे बिल्कुल भी नहीं चल पाता सेंटी टॉय के। ये हो गया, और हाँ गाइस ये वाला, ये मेरे को मिला था फर्स्ट रेल किंग ट्रेन के साथ, अब ये देख के तो भाई दिल खुशी हो गया था तब, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने ऐसा टॉय में देखा बोबो व्हील के साथ, और इसे देख के पता चलता है कि ये बड़े साइज में भी आता है, देख सकते हो। ये ट्रेन सेट मैं सच बताऊँ तो लकीली मेरे पास पहुँचा ही है, वैसे तो मैंने पता है सेलर ने ऐसे नॉर्मल रेल किंग का फोटो लगा के रखा था ये वाला, और आके देखा ये वाला मिला, भाई दिल खुश हो गया। दोनों का व्हील्स देख सकते हो कंपैरिजन करके, कितना फर्क है दोनों में। इसके साथ आया था एक और ये वाला, इसका भी सेम वैसे ही व्हील है, लेकिन ये ज़्यादातर मैं कैब राइड, ज़्यादातर क्या कैब राइड यूज़ करता हूँ, ये वाला कैमरा यहाँ पे लगा के कैब राइड करता हूँ, और इसका भी यूज़ कैब राइड में ही होता है, इसमें रहता है हमारा ये वाला कैमरा और इसमें रहता है हमारा वो वाला कैमरा। और आते हैं इसमें, ये तो मैंने भाई मेरे चैनल का बीस्ट, बहुत ही खतरनाक, और इसमें बहुत ही ज़्यादा टॉर्क है, ये इजीली खींच देगा। ये जो वैगन देख पा रहे हो ना, मेरा फुल कॉन्फिडेंट, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पे जितने भी वैगन देख पा रहे हो इजीली एक बारी में खींच देगा ये, लेकिन उतना बड़ा ट्रैक नहीं है तो मैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, इन फ्यूचर ज़रूर करूँगा जब मेरे पास एक लंबा
स्पेस होगा ट्रैक बिछाने के लिए, तब मैं ये एक्सपेरिमेंट इस लोकोमोटिव के साथ ज़रूर करूँगा। जितने भी कोचेस देख पा रहे हो और वैगन देख पा रहे हो ना, फुल उम्मीद है ये इजीली खींच लेगा। ये लकीली कह सकते हो, बना दिया मैंने बस। और ये तो मैंने अपने फ्रेंड से परचेस करा है, और ये सी रियलिटीज वालों का है। और इसका भी मैं एक ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, वो तो देखना। ये लेट ही आएगा, बहुत ही लेट आएगा इसका वीडियो, क्योंकि फ़िलहाल जो अभी करेंट प्रोजेक्ट है वही आएगा आपका अप्रैल में, तो उसके बाद ही आएगा फिर मई या जून में ला दूँगा इसका भी। और ये हमारा टोबी फ़िलहाल चार्ज नहीं है, तो इसमें यहाँ पे ऐसे करके चार्ज पे लगा रखा है, देख सकते हो यहाँ से जा रहे USB का तार, यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे भी देख सकते हो चार्जिंग इंडिकेटर। और हाँ गाइस, ये भी RC वाला ही है, ये मैंने बनाया था उससे, RC हेलीकॉप्टर का मदरबोर्ड से बनाया था, तो अभी फ़िलहाल रिमोट नहीं मिल रहा मेरे को, पता नहीं कहाँ गया। अगर रिमोट नहीं मिला तो मेरे को दोबारा एक RC प्लेन ख़रीदना पड़ेगा, उसके रिमोट से ये चलेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मैकेनिज़म, इसका भी वीडियो मिल जाएगा। और इसका लिवरी मैंने बनाया था फुल मैच स्टिक से, देख सकते हो मैच स्टिक का यूज़ कर पूरा लिवरी बनाया था मैंने। ये रहा इसका सेंसर, IR सेंसर रिमोट का, और ये बॉगी खुल भी जाता है, मैग्नेमेटिक है ये बॉगी। अभी तो नहीं, फ़ोन साइड में करना पड़ेगा इसे खोलने के लिए। फिलहाल इसे मैं चला के ऑन कर देता हूँ इसे। ये देखो हेडलाइट, टेल लाइट, और ये भी बहुत तेज भागता है। इसका भी मेकिंग वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल कुछ इतना ही है मेरा ट्रेन सेट, और अब मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा मेरे पास स्क्रैप जितने भी इन ट्रेन का पार्ट्स हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। सो गाइस, ये है स्क्रैप्ड बॉक्स नंबर 1, ये है दो और सेंटी का लोकोमोटिव, दोनों ही फ्री रोल है, लेकिन हाँ इसके व्हील्स में गियर लगे हुए हैं तो ये काम आ जाएगा मेरा। और वैसे भी इन सब का मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ यहाँ पे, जितने भी देख पा रहे हो आप। और इस वाले लोकोमोटिव को मैंने रॉकेट वहाँ पे चिपका के सिर्फ रॉकेट के थ्रू एकदम तेज़ी से चलाया था इसे, तो इसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो वो चेकआउट कर सकते हो। एक और सेंटी का कोच, इसे भी रॉकेट लगा के उड़ा दिया था, मतलब चलाया था, इस कारण यहाँ पे भी देख सकते हो ऐसे निशान बन चुका है। और इसका भी व्हील ख़राब हो गया था, इस एक्सेल टूट गया था बीच में से, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो टूथ पिक का यूज़ करके यहाँ पे लगा के रखा है मैंने इसके एक्सेल को, और एक व्हील तो ख़त्म ही हो गया इसका। ये भी व्हील्स की वजह से यहीं पर पड़ा हुआ है, वैसे सेम ऐसे लो क्वालिटी का रियल किंग है ये भी। इनके व्हील ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं इसी। ये देखो एक पार्ट ये रहा, बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये है मॉडिफाइड जो, देखो ग्रिल का टुकड़ा ना नाजुक है, मैं दिखा देता हूँ इजीली, मतलब मुड़ जाएगा ये देखो, इस वजह से ये बार बार लगने के कारण ख़त्म हो गया ये भी। बाकी ये रहा 3 ऑयल टैंकर, जिसका व्हील का यूज़ करके मैंने लॉन्ग सेंटी का कोचेस बनाए हैं, उसमें लगा के रखे इनके व्हील्स को, तो इस वजह से यहाँ पे रखा हुआ ही है। बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितने भी देख पा रहे हो इनका मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, और ऑब्वियसली चैनल पर भी वीडियो आ जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्क्रैप नंबर 2 बॉक्स में, और ये व्हील्स यहाँ पे था उस वाले बॉक्स में जाएगा। सो गाइस, ये है स्क्रैप्ड बॉक्स नंबर 2, इसके अंदर जाएगा हमारा ये वाला व्हील। बेसिकली इसके अंदर देख सकते हो ट्रेन के कितने सारे कंपोनेंट है, जो कि मैं आने वाले एक्सपेरिमेंट में काम पे लगाऊंगा। ये चेसी उसका है,
सेंटी टॉय का, जिसके मैंने लॉन्ग कोचेस बनाए हैं और ये कपलर का स्क्रू सेंटी वाले का, तो इसे अलग से यहाँ पर रख दिया। और यह है जेम्स का बॉल, पहले मतलब 2017 और 16 में मेरे जितने भी हैं स्क्रैप्ड व्हील्स वगैरह एक्स्ट्रा, तो मैं इसके अंदर ही डालता था, और तब क्वांटिटी भी कम थी। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी हो चुका है, तो इतना बड़ा बॉक्स में कर शिफ्ट कर दिया मैंने, इसे भी रख दिया। बाकी तीन और बॉक्सेस हैं इसके अंदर, इसमें तो कुछ नहीं है, बाद में रख दूंगा मैं। इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ, ये है ट्रैक जॉइंट जो कि सेंटी टॉय का मैंने कट करके रखा है ट्रैक बनाने के लिए होममेड। ये देखो ट्रैक कन्वर्टर, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सेंटी टॉय और रेलकिंग के ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए। इसका भी मेकिंग वीडियो मिल जाएगा आपको, इसे बनाकर आप अपने सेंटी टॉय और रेलकिंग के ट्रैक को आपस में लगा सकते हो। तो इसका भी मैं यूज़ करने वाला, अपकमिंग ट्रैक बनाऊंगा तो इसमें। इसमें देखते हैं क्या है, हाँ याद आया, इसमें है कपलर और स्क्रू। अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरा जो हॉट व्हील्स कलेक्शन है और लीगो कलेक्शन है, तो बढ़ते हैं उस वीडियो में।